हेलो बच्चों, कैसे आप लोग सब? आज हम आगे का पेज देखेंगे ना, ये वाले लेसन का, माइनस का, सब्ट्रैक्शन का, ठीक है ना? तो क्या दिया है इसमें? सब्ट्रैक्शन बाय बैकवर्ड काउंटिंग। बैकवर्ड काउंटिंग यानी कि उल्टी गिनती से हम क्या करेंगे? सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो लेट अस सब्ट्रैक्ट 5 फ्रॉम 8 बाय यूजिंग द नंबर स्ट्रिप। नंबर स्ट्रिप को यूज़ करके हम 8 में से 5 माइनस करेंगे, ठीक है ना? तो कैसे होगा? कीप योर फिंगर ऑन नंबर 8 ऑन द नंबर स्ट्रिप। नंबर स्ट्रिप पर पहले हम अपना फिंगर रखेंगे, 8 पर। मूव 8 5 स्टेप बैकवर्ड, यू विल रीच 3। उससे हम 5 स्टेप पीछे आएंगे तो हमको क्या मिलेगा? 3 मिलेगा। कैसे? देखो, 8 से स्टार्ट करना है, 1 2 3 4 एंड 5। तो हमको आंसर क्या मिला? 3 मिला। तो सो 8 माइनस 5 इक्वल टू 3। आया समझ में? सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग नंबर यूजिंग द नंबर स्ट्रिप। अब नंबर स्ट्रिप को यूज़ कर कर हमको ये सारे माइनस करने हैं, ठीक है? तो 8 6 माइनस 5, तो हम 6 से स्टार्ट करेंगे और कितने तक माइनस करेंगे? 5 5 नंबर तक माइनस करेंगे। कैसे? यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5। 5 जहाँ पर हमारा रुका है वो नंबर कौन सा है? 1। तो इसका आंसर क्या आएगा? 1। आ रहा है समझ में? 8 माइनस 4, तो 8 से हम 4 स्टेप पीछे जाएंगे, 1 2 3 4। तो आंसर क्या आएगा? 4। 9 माइनस 2, 1 2। तो क्या आएगा? 7। 7 माइनस 3, 1 2 3, तो 4। आ रहा है ना समझ में? जितने नंबर हमको माइनस करने को बोले हैं हमको उतने तक काउंटिंग बोलनी है, और काउंटिंग जहाँ पर रुकेगी वो हमारा आंसर है ना? सिंपल। 5 माइनस 2, तो 1 2, तो क्या आएगा? 3। क्यों? क्योंकि 5 में से 2 माइनस करा हमने तो हमारी काउंटिंग 3 पर आकर रुकी, तो आंसर क्या आएगा? 3 आएगा। यूज़ द नंबर स्ट्रिप टू सब्ट्रैक्ट एंड राइट द आंसर इन द सर्कल। अब नंबर स्ट्रिप का यूज़ कर कर हमको ये जो सर्कल दिए हैं उसका माइनस करके आंसर लिखना है। तो 6 में से 1 माइनस करेंगे, तो ये रहा नंबर स्ट्रिप। 6 में से 1 माइनस करा तो कितना आया? 5। 8 माइनस 2, 1 2, तो कितने पर रुके? 6। 5 माइनस 4, तो 1 2 3 4, तो क्या आएगा? 1 आएगा। आ रहा है ना समझ में? 3 माइनस 3, 1 2 3, कहाँ पर रुके हम? 0 पर, तो आंसर आएगा 0। 9 माइनस 7, 1 2 3 4 5 6 7, तो क्या आंसर आएगा? 2। आ रहा है ना समझ में? अब ये बाकी के बचे हुए आपको खुद से करने हैं, ओके? अब नेक्स्ट पेज देखते हैं। इसमें करने के इसमें क्या करने को बोला है हमको? वर्टिकल सब्ट्रैक्शन। वर्टिकल सब्ट्रैक्शन करना है इसमें। तो वी कैन ऑल्सो सब्ट्रैक्ट द नंबर बाय अरेंजिंग देम वर्टिकली। तो पहले तो अभी तक हम हॉरिजेंटली देख रहे थे, स्ट्रिप पर माइनस कर रहे थे, अब हम इसको वर्टिकली करना सीखेंगे। कैसे? तो वी कैन ऑल्सो सब्ट्रैक्ट द नंबर बाय अरेंजिंग देम वर्टिकली। वर्टिकली यानी कि ऊपर नीचे नंबरों को लिखकर भी हम माइनस कर सकते हैं। लुक एट द फॉलोइंग एग्जाम्पल, जैसे कि 4 माइनस 2, तो कितने एप्पल हैं? 1 2 3 4, उसमें से कितने माइनस बोले हैं? 1 2, तो कितने बचे? 2। तो दिस इज द सेम एज, वैसे ही हम इसको वर्टिकली कैसे लिख सकते हैं? 4 माइनस 2, तो 4 में से 2 चले गए तो कितने बचे? 2। तो 4 माइनस 2, तो कितना आया? 2 इज द कॉलम ऑफ सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 4। तो ये हमने कौन सा कॉलम बनाया? 4 में से 2 माइनस करने वाला। दिस फॉर्म ऑफ सब्ट्रैक्शन इज कॉल वर्टिकल सब्ट्रैक्शन और कॉलम सब्ट्रैक्शन। ऐसे सब्ट्रैक्शन को क्या बोला जाता है? वर्टिकली या कॉलम सब्ट्रैक्शन बोला जाता है। बिफोर सब्ट्रैक्शन सब्ट्रैक्टिंग वी राइट द स्मॉलर नंबर बिलो द बिगर नंबर। सब्ट्रैक्शन स्टार्ट करने से पहले हम क्या करते हैं? बड़े नंबर के नीचे छोटा नंबर लिखते हैं। अब देखो, क्योंकि हमको इसमें माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, तो आपके पास कोई चीज़ ज़्यादा होगी तभी तो हम आप उसमें कमी कर पाओगे। आपके पास पहले से ही कमी होगी तो आप उसमें कमी कैसे कर पाओगे, ठीक है ना?
तो इसलिए कभी भी बिगर नंबर ऊपर लिखा जाता है और स्मॉलर नंबर को नीचे लिखा जाता है। आ रहा है ना समझ में? तो क्रॉस आउट काउंट एंड राइट। तो अब ये वर्टिकल वाले हम माइनस देखेंगे कैसे दिया है इसमें। तो 5 फ्रॉग हैं, उसमें से हमको कितने माइनस करने बोले हैं? 2। तो 1 2, कितने बचे? 1 2 3। तो आंसर क्या आएगा? 3। तो वैसे ही 5 - 2 = 3 आया समझ में। कितने बॉल हैं? 8। उसमें से कितने माइनस करना है? 3। 1 2 3, कितने बॉल बचे? 1 2 3 4 and 5। तो इधर क्या आएगा? 5। तो 8 - 3 = 5 आया समझ में। अब ये जो लास्ट वाला है ये आपको खुद से करना है। ओके, बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।